सीरियल कथा अनकही में वियान के सामने कथा ले आई है उसकी माँ तेजी का सारा राज। और इसी के साथ वियान को ये पता चल चुका है कि उसके पापा ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके पापा तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपने एंड वक्त तक वो कोशिश करते रहे कि वो वियान से कनेक्ट कर पाए, लेकिन तेजी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी के चलते वियान बहुत इमोशनल नज़र आएगा और वो कथा के पास जाएगा उसके कैबिन में। काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होगा और कथा यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए कहेगी कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अब इससे ज़्यादा कथा की तरफ से क्या ही लव कन्फेशन हो सकता है। वहीं कथा वियान को सीमा दत्ता के घर पर लेकर जाएगी। अब जब वियान सब जानता है तो सीमा दत्ता से उसे सब कुछ जानने का भी हक है। वान्या और सीमा दत्ता वहाँ पर मौजूद होंगे और सीमा दत्ता वियान को बताएगी कि किस तरह से विराज हमेशा ही उसे प्यार करते आए थे और विराज और अपने रिश्ते के बारे में बताएगी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा यहाँ पर माहौल। और इसके अलावा सीमा दत्ता को अपनी बेटी वान्या की बहुत ज़्यादा चिंता होगी कि उसके पास परिवार के नाम पर कोई तो होना चाहिए और वो वान्या की जिम्मेदारी वियान को दे देंगी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वियान हो जाएगा और उन्हें गले भी लगा लेगा। तेजी को ये सब कुछ ऑफकोर्स पसंद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर कथा भी इमोशनल हो जाएगी वियान को इस तरह से रोते हुए देखकर। और इतने में सीमा दत्ता बेहोश हो जाएंगी। सभी जानते हैं कि उन्हें डिमेंशिया है। अभी तो उन्होंने बहुत अच्छे से वियान को बात कर ली, लेकिन अब जब उन्हें होश आएगा तो उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा और वान्या यही बात वियान को आकर बताती भी है। वियान को अब एक जिम्मेदारी फील हो रही है वान्या के टुवर्ड्स, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वान्या उसकी बहन है, तो अब वो वान्या का भी ध्यान रखता नजर आएगा।